अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको यानी दसवीं जमात के बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ बायोलॉजी। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है हमारे इन्वायरमेंट। तो इसमें जो आज का टॉपिक है वो है फूड चेन एंड ट्रॉपिक लेवल। इससे पहले मैंने आपको समझाया कि प्रोड्यूसर क्या है, कंज्यूमर क्या है और डिकम्पोजर क्या है। उसके बाद ये टॉपिक हम ले रहे हैं फूड चेन, फूड चेन का क्या मायने है। तो ये सब इकोसिस्टम में आता है, फूड चेन हो या फूड वेब हो या ट्रॉपिक लेवल हो, ये इकोसिस्टम में आता है। इन ए गिवन इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम में ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड इन ए सिस्टमेटिक चेन। तमाम जानदार एक पुरनज़म यानी सिस्टमेटिक चेन के जरिए एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, यानी इनको एक दूसरे पर दारमदार रहते हैं, डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन ए सिस्टमेटिक चेन विद रेस्पेक्ट टू दियर मोड ऑफ फीडिंग हैबिट्स। और ये किस पर दारमदार है, ये दारमदार रखता है फीडिंग हैबिट्स पर, यानी कोई मैन्युफैक्चर करता है फूड यानी प्रोड्यूसर्स और कोई उनको ही खाता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग या फीडिंग हैबिट्स पर ये एनएसआर रखता है ये चेन। तो दीज इंटरेक्शन इन्वॉल्व फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर। और इस दौरान क्या होता है, इस दौरान एक सिस्टम से, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। यानी इन इंटरेक्शंस के दौरान क्या होता है, एनर्जी फ्रॉम वन कंपोनेंट, यानी फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन कंपोनेंट यानी एक जूस से दूसरे जूस तक फ्लो ऑफ एनर्जी होता है ओनली बिगिनिंग विद प्रोड्यूसर्स। हम अगर प्रोड्यूसर से शुरू करेंगे, यानी ये जो ऑटोट्रॉप्स हैं, प्लांट्स हैं, जो जो ये गिजा बनाते हैं, यानी जिनके अंदर एनर्जी मौजूद है, तो हर्बिवोरस इनको जब हर्बिवोरस खाते हैं तो एनर्जी फ्लो होती है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हर्बिवोरस, और हर्बिवोरस को जब कार्निवोरस खाते हैं तो ये फ्लो ऑफ एनर्जी होता है फ्रॉम हर्बिवोरस टू कार्निवोरस एंड नेक्स्ट लेवल। इसी तरह एक लेवल से दूसरे लेवल तक ये फ्लो ऑफ एनर्जी होता रहता है और ये एक चेन के जरिए होता है, और इसी चेन को हम फूड चेन कहते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर इंटरलिंक्ड, तमाम ये जो हैवानात या ऑर्गेनिज्म, हैवानात ही नहीं बल्कि तमाम ऑर्गेनिज्म उसमें आते हैं, हैवानात भी और नबातात भी, वो इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ, बिल्कुल लिंक्ड है ये, एंड इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल तक ट्रांसफर होती है। दी सिक्वेंशियल इंटरलिंकिंग, ये जो बदतरतीब सिक्वेंशियल बदतरतीब या बिलतरतीब इंटरलिंकिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स है इन्वॉल्विंग, जिसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, एक लेवल से दूसरे लेवल तक जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो इसी को हम कहते हैं फूड चेन। तो उम्मीद है कि आपने ये फूड चेन का मायने समझा होगा कि ये एक चेन है बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, और इस चेन में क्या होता है, फुल ऑफ एनर्जी होता है, यानी एक जानदार दूसरे जानदार को खाता है, उसको फिर नेक्स्ट खाता है, यानी ये एनर्जी फ्लो होता है। तो ये इंटरलिंक्ड है ये ऑर्गेनिज्म, और इसी को हम फूड चेन कहते हैं। तो इसके बाद ट्रॉपिक लेवल है, द डिस्टिंक्ट सिक्वेंशियल स्टेप्स, इसी फूड चेन में जो मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, मुख्तलिफ लेवल्स हैं, इन्हें प्रोड्यूसर की अलग लेवल है, हर्बिवोर्स की अलग लेवल है, कार्निवोर्स की अलग लेवल है, ओमनिवोर्स की अलग लेवल है, और ये अलग अलग डिस्टिंक्ट सिक्वेंशियल स्टेप्स इन फूड चेन जहां पर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ओकर्स और एक लेवल से दूसरे लेवल तक एनर्जी ट्रांसफर होती है, आर रेफर्ड टू एज, इन्हीं को कहते हैं डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स।
इन्हीं को हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, इसी तरह प्लांट ईटर जो हर्बीवोर्स है ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल है, एंड देन फ्लैश ईटर यानी जिनको हम कार्निवोर्स कहते हैं दे रिप्रेजेंट वो कौन सी लेवल बना दे, दे रिप्रेजेंट द थर्ड कंज्यूमर लेवल, ये तीसरी लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह आपकी समझ में आया होगा कि व्हाट आर डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, ये वो सतही हैं जिनकी जिनसे ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। और इसके बाद हम थोड़ा फूड चेन के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी तरफ जाते हैं। फूड चेन इन्वॉल्व्स ए न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड चेन में क्या है, ये न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन है यानी ये इसमें गिजाही मतलब पहलू आता है, यानी एक लेवल दूसरे लेवल का गिजा है, दूसरे लेवल तीसरे लेवल की, यानी इनमें न्यूट्रिटिव यही एक इनके दरमियान एक इंटरेक्शन है बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये फूड चेन है। यानी इसमें फूड सबसे अहम पहलू फूड का है, गिजा का है। फूड चेन इज ऑलवेज सिट्रेट, ये हमेशा सिट्रेट होती है, ये कर्वड वगैरह नहीं है। देयर इज यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो फ्लो है वो यूनि डायरेक्शनल है यानी एक ही डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो होती है। देयर आर 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल्स, और एक फूड चेन में 3 या 4 ट्रॉपिक लेवल्स होती है। इस तरह ये आपको समझ आया होगा कि फूड चेन के कितने क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। 4 ही अगर आप लोग याद रखोगे या 3 ही याद रखोगे तो ये भी आपके लिए काफी है, लेकिन याद रखना जरूरी है। तो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ इस फूड चेन का, सिंपलेस्ट फूड चेन इन्वॉल्विंग 2 स्टेप्स इन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अगर हम सिंपलेस्ट फूड चेन लेंगे तो वो क्या है, प्लांट्स जो प्रोड्यूसर्स हैं इनको खाते हैं एलिफेंट्स, ये हर्बीवोर्स है, यानी ये एक ट्रॉपिक लेवल है, ये दूसरी ट्रॉपिक लेवल, इसमें सिर्फ 2 स्टेप्स हैं और इसको हम कहते हैं सिंपलेस्ट फूड चेन। तो उसके बाद हम और एक फूड चेन का जिक्र करेंगे जिसमें 3 स्टेप्स आते हैं, यानी ग्रास जो प्रोड्यूसर्स है इनको डियर खाते हैं ये जो हर्बीवोर्स है, और डियर को खाता है टाइगर जो कार्निवोर्स है, यानी इस पर हमें 3 ट्रॉपिक लेवल आ गई, प्रोड्यूसर्स आ गए, हर्बीवोर्स आ गए और कार्निवोर्स आ गए, यानी ग्रास डियर एंड टाइगर। तो इसमें 3 स्टेप्स हैं, ये 2 स्टेप वाली फूड चेन है और ये 3 स्टेप वाली फूड चेन। और उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा कि फूड चेन का क्या मायने है, ट्रॉपिक लेवल का क्या मायने है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन, और मैंने एग्जाम्पल के साथ भी आपको समझाने की कोशिश की। तो अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो मेहरबानी करके अपने बुक को कंसल्ट करें या मुझे मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा आज का जो टॉपिक है वो इख्तिताम होता है। बाकी वसलम।